हाय गाइस, दिस इज अभिजीत, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी है हम लोग फूड प्लाजा पे, ये करजत के आसपास में ही है फूड प्लाजा, जहाँ पे मैकडी है, स्टारबक्स भी है। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए, सुबह सुबह ही निकला था मैं। मेरे घर से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स पे है और जा रहे हैं इगतपुरी कैंपिंग के लिए, वो भी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो अभी यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ जर्नी, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था, अभी भी 8:30 बज रहा है सुबह का, इसके लिए सोचा देह में ही स्टार्ट करेगा। अभी ऑलमोस्ट 1 hour 7 minutes में पहुंच जाएंगे, 59 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। शायद शाहपुर है, ये शाहपुर सिटी है, इसके आगे लगेगा कसरा, ये घाट क्रॉस करके वो साइड जाना है। अभी पहला ये ना डबल रोड था, मतलब एक ही रोड पे गाड़ी आता था और जाता था, और अभी ऐसा नहीं है, अभी ये वन वे हो गया है। तो काफ़ी सही है। अभी राइट साइड में देखो गाड़ी आ रही है, वो आने उतरने वाला रास्ता है, और अपन जा रहे हैं वो चढ़ने वाला रास्ता है। कसरा घाट चालू होने से पहले ना लेफ्ट साइड में पूरा ऐसे छोटे छोटे दुकान लगते हैं, और ये आगे से दुकान ख़त्म, कसरा घाट स्टार्ट। उसमें थोड़ा कर्व्स मस्त है, तो गाड़ी बेंड करने का थोड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। काफी बैंड है यहाँ पर। तो पर यहाँ पे थोड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, इधर लोकल लोग जो है कभी कभी रॉन्ग वे आ जाते हैं। जितना होगा ना उतना लेफ्ट साइड से चलो, जब भी रास्ता क्लियर दिखता है आगे का तभी राइट में जाओ, क्योंकि ना सामने से कभी कभी रॉन्ग वे में गाड़ी आ जाता है। ये लोकल लोग ही है, वही लोग ये सब करते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा कर रहे लगता है, काम चालू है, अभी 2 lane रोड है उसको 3 lane कर रहे लगता है। बहुत सारे जने ना ये शिरडी यहाँ से चल के जाते हैं, कोई कोई नंगे पैर भी जाते हैं, नंगे पैर मतलब बिना चप्पल बिना शूज़। ये देखो ये सब शिरडी जाने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी लंबे से चल के आते हैं सब, थोड़ा रेस्ट कर रहे सब। बहुत जन रात को निकल जाते हैं, क्योंकि रात को थोड़ा ठंडा रहता है क्लाइमेट, अभी धूप में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना लंबा, क्योंकि रोड भी तब जाता है ना, नंगे पैर चलते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है रात को निकलना। बहुत सारे जने ना गाड़ी में स्पीकर ये सब लगा के भगवान का गाना लगा के चलते रहते हैं, मतलब टेम्पो में पीछे में स्पीकर लगाते। ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर दिखा रहा है खाली, 22 मिनट। ये प्रमोद है, प्रमोद जो आगे गया अभी, और ऋषभ प्रणय, हम लोग 3 जने खाली राइड कर रहे हैं। दशहरा घाट जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ से थोड़ा टाइम के बाद इगतपुरी स्टार्ट हो जाता है, आपको रिसोर्ट से सब दिखना चालू हो जाएगा। इगतपुरी में ना बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े वाटरफॉल हैं। अभी देखते हैं, अपन वही रूट से जा रहे हैं, पर अभी शायद पानी नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि बारिश को जाए काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम लोग जनवरी में घूम रहे हैं यहाँ पर। अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ था हल्का फुल्का, देखो गाने बज रहे, देखो सब साईं बाबा का पोस्टर लगा हुआ है गाड़ी पे। इसको क्या हो गया, थक गया लगता है, थोड़ा रुक जाता है। अरे अभी तो निकले थे नाश्ता करके, 50 किलोमीटर भी नहीं हुआ, ज़्यादा बचा नहीं, 14 किलोमीटर बचा। ये अपना प्रणय, इगतपुरी में अभी ये द फर्न करके होटल भी चालू हुआ है। द फर्न ये काफ़ी प्रीमियम होटल है, इसका खाना बहुत अच्छा रहता है, बूफे रहता है नॉर्मली, मालाकाट भी चलता है, पर इसका बूफे काफ़ी फेमस है द फर्न का। यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, उसके नीचे से सीधा जाना है राइट मार के। मस्त सीमेंट का रोड बना है यार, अभी जस्ट नया नया बना है। सीधा जाएंगे तो एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे, उस पर बाइक अलाउड है नहीं। ये नीचे से सीधा वाटरफॉल के पास जाता है, यहाँ पे डैम भी है, काफ़ी बड़ा डैम है। बारिश में यहाँ पे घूमने लायक सीन रहता है, मस्त, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, अभी इतना नहीं रहेगा क्योंकि मेन वाटरफॉल के लिए पब्लिक आता है यहाँ पे। ये देखो ये रिवर, छोटा सा उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ पे पूरा
राइस का खेती ज़्यादा होता है, छोटा छोटा गांव है बीच में। ये भी गांव में आया भावली करके, यहाँ पे पास में ही है, विद इन 750 मीटर्स। ये देखो सामने डैम है, इधर बहुत बड़ा डैम है ये। ये डैम है, उधर गेट है डैम का, और अपने को इधर से सीधा जाना है। ये थोड़ा 400 मीटर का ऑफ रोड, मजा गिरेगा रे। है इधर रास्ता ऑफ रोड, थोड़ा सपोर्ट कर चल रेल गाड़ी, पहले माला चढ़ा ना, अंदर एक एक चढ़ूया। हाँ सपोर्ट करते एक दूसरे, इधर ही अटकेगा। ठीक है, हाँ बस, हाँ गलत रास्ते से आए, मैप सारा घुमा रहे फुकट का। ऐसे दिखने में आपको गोप्रो से नहीं दिखेगा, बड़ा अच्छा खासा स्लोप है ये, वाइड एंगल में वो सब फ्लैट दिखता है। चल 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 चल, अरे थ्रोटल छोड़ने को, थ्रोटल छोड़ मत, मोशन पकड़, उधर ही अटकेगा तू, मैं पुश करता हूँ, निकल के वो साइड ले ले, फिर इधर जाना है अपने को। 1 2 3, हाँ आ गया 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 गया। चल आ जा भाई, सुन एक तो ट्रैक्शन बंद कर, ABS ऑफ रोड पिडाला, उधर अटकेगा, मोशन छोड़ना नहीं, मैं पुश करता हूँ तेरे को, गाड़ी बंद नहीं करना, हाँ गाड़ी बंद मत करना, चल 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 चल, नहीं 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 चल, कुछ नहीं होएगा, चल गया 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 गया, अरे गया, हाँ ये साला हल्का, हाँ इधर दिखा रहा है रास्ता, हाँ हाँ भाई उधर। चलो यू टर्न मारो, हाँ उड़े, ओहो हो क्या व्यू है यार, खतरनाक। पूरा लाल मट्टी मुंह के अंदर जा रहा है, कांच खुला था मेरा। ये अपना कैंपिंग एरिया लगता है, हाँ ये अपना कैंपिंग एरिया। वो सब साइड में ना उधर वाटरफॉल्स रहते हैं, और ये डैम अभी खाली हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, नहीं तो पूरा ऊपर तक भरा रहता है। ये है तुम्हारा इगतपुरी कैंपिंग, मैप में डालोगे इगतपुरी कैंपिंग तो यही लोकेशन आएगा, पर थोड़ा मैप से संभालना, नहीं तो हम लोग जैसे अटक जाओगे। उधर थोड़ा पूछ लेना, चेंज करके निकल रहे यहाँ से, वो प्रमोद गया आगे, पहले रुका इधर, हम लोग उधर जा रहे सामने बाइक लेके, वहाँ पर स्विमिंग करेंगे, उसके पहला लंच करेंगे और फिर निकलेंगे, थोड़ा ऑफ रोडिंग है बाहर निकलने तक, बस जैकेट विकेट निकाल दिया सब।
360 लगा है, हमें थोड़े उसके शॉर्ट्स लेंगे। ये डैम है पूरा, छोटा सा ऑफ रोड पैच है बस। गांव में एक अच्छा इन्होंने पूरा सीमेंट रोड बना दिया तो वो एक टेंशन नहीं है। अगर आप आने के टाइम ड्रिंक नहीं लाते हो ना यहाँ पे कैंपिंग के लिए, तो यहाँ पे एक पार्सल स्टोर है लिखकर, वहाँ से आप 200 रुपया कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं वो लोग MRP के ऊपर और दे देते हैं। तो पास में ही है, विद इन मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर्स पे रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे ना एक बड़ा वाटरफॉल रहता है बारिश में, बहुत बड़ा, उसके अपोजिट में ही एग्जैक्ट। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी रहते हैं बारिश में, अभी एक भी नहीं है, देखो फुल खाली है। और ये ना सामने दिख रहा है, बिल्कुल पानी नहीं है उधर, वो बहुत बड़ा स्पॉट है। चलो भाई, इसको बोलते ट्रेल। उतर गए भाई, उतर गए। एक्चुअली उधर भी रास्ता है सामने, उधर गाड़ी खड़ा है उधर, पर ये ज्यादा क्लोज है। हाँ इधर थोड़ा कीचड़ है, संभालना पड़ेगा। अरे एकत्र लाओ जाओ ना आशा, देखो ना क्या मस्त जगह है, एकदम कड़क स्पॉट है। उधर से हम लोग आए, जो सामने दिख रहा है गाड़ी उधर, वहां से आए हम लोग, वहां पे भी एक स्पॉट है, वहां से भी गाड़ी उतर सकते हैं। और हमारा टेंट सामने है उधर, हम लोग पर उधर जाने के लिए पूरा ऐसे घूम के ये पहाड़ पूरा राउंड मार के आए। उधर भी सामने ऊपर एक होटल का काम चल रहा है, देखो रिसोर्ट का, इधर भी एक रिसोर्ट है, बहुत रिसोर्ट है यहाँ पे। उधर आगे भी है मस्त पॉइंट पॉइंट पे, ये भी वाटरफॉल है एक यहाँ पे, एक उधर था सबसे बड़ा वाटरफॉल, उसके बाद ये सेकेंडरी। और ये सब बारिश के टाइम ही दिखेगा, अभी कुछ नहीं है, सब ड्राई। चलो अभी थोड़ा स्विमिंग करेंगे, मजा लेंगे स्विमिंग का। और मेरा स्विमिंग हुआ मस्त, पर नहीं तो डर रहा था। हम लोग तो कैंप साइड से लाइफ जैकेट लेके आए थे तीन, जो प्रमोद का गाड़ी पे बांधे है बंजीगोट से। अभी रिटर्न यहाँ से पूरा ऐसा पहाड़ घूम के वहाँ से रिटर्न इधर आना है। अभी कुछ खाएंगे, खाया नहीं हम लोग, ककड़ी खाया खाली। इधर एक स्टॉल है सामने, एक ही स्टॉल है, नहीं तो पूरा
अब बारिश में आओगे ना तो वहाँ से लेके पूरा उधर तक स्टॉल होता है उधर तक, क्योंकि ये वाटरफॉल है बहुत ज़्यादा क्राउड आता है बारिश में। अगर कभी आपको ये सब एक्सपीरियंस लेना है ना बारिश का वाटरफॉल का तो बेस्ट है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, इजी आप जा सकते हो आराम से चल के वाटरफॉल के नीचे। और ये पानी ऊपर तक रहता है, तभी अभी सब खाली हो गया। चलो वापस जगह पे आ गए, अभी ये लोग ने टेंट भी सेटअप किया है तो ये सब अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कृष्णा करके बंदा है, वो ही ओनर है जगह का। यहाँ पे कुछ गेम्स है, बैडमिंटन, क्रिकेट, एरो, छोटा मोटा गेम्स है, कैरम है, सब भी है। ये तंदूर चल रहा है वेज और नॉन वेज, मूवी चल रहा है, लाइटिंग देखो मस्त। चलो गाइस आज का दिन तो खत्म हो गया, मस्त डिनर था, वेज नॉन वेज तंदूर भी था। तो चलो कल के वीडियो में मिलते हैं, अभी कल हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे ट्रेल करने का यहाँ पे पास में, अगर पॉसिबल हो तो कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी कभी आते हैं तो वापस कर सकते हैं ट्रेल। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।